राज करेगा खालसा। खालसा माने वो जो सिखों में ऐसे
सन्यासी होते हैं जो तलवार लेकर के चलते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और पवित्र रहते हैं और मुसलमानों से और क्रिश्चियन से टक्कर लेते हैं। मना रहना कीचड़ में और कीचड़ में रहते हुए कमल फूल के समान बिल्कुल निर्लिप्त होकर के रहना, बुद्धि ऊपर आम बनी रहे। उन खालसाओं में बेहद का मुख्य पार्ट संगम युग में किसका है? जगदम्बा का। इसलिए बोला है राज करेगा खालसा। और ये सिखों में ही गायन है तो जरूर कोई सिख धर्म के से कनेक्टेड आत्मा है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है प्रासी में कि पंजाब कन्यादान में सबसे आगे निकल गया। ऐसे नहीं कि उससे पहले पंजाब से कन्याओं का दान हुआ ही नहीं था ईश्वरीय ज्ञान में। चंद्रमणि दादी वगैरह तो कितनी पुरानी निकली हुई है, लेकिन उस समय ही क्यों बोला गया कि पंजाब कन्यादान में आगे निकल गया? क्योंकि एडवांस पार्टी की बात थी। तो जो कन्या आगे निकल जाती है उसको देख करके फिर ढेर की ढेर सरेंडर होती है। जो पहले पहले होते सो अर्जुन कहा जाता है, तो उसका प्रतिफल ये मिलता है कि दीदी दादी दादियों ने इतना, दादाओं ने इतनी पालना नहीं की होगी इतने विराट रूप में जितनी वो जगदम्बा अंत में पालना करेगी ब्राह्मणों की दुनिया की। कभी होगी, कभी होगी, जब अंत होगा तो होगी। अभी आदि कहें कि मध्य कहें कि अंत कहें? अभी अंत है, अति का अंत होता है या बीच में अंत हो जाता है? अति का अंत होता है। अभी अति हो गई, अभी अति नहीं हुई है। हाँ जी, डबल विदेशी माना लौकिक परिवार से भी निकाले गए और फिर बेसिक ब्राह्मण परिवार से भी धक्का खा गए, देश निकाला मिल गया। डबल पुरुषार्थी इसलिए कि वे एडवांस के हुए, बेसिक में भी उन्होंने पुरुषार्थ किया हुआ है और क्रॉस करके आगे निकल गए, उनका क्लास ट्रांसफर हो गया। और यहाँ भी उनका क्लास ट्रांसफर होना है, यहाँ से ट्रांसफर होगा तो नई दुनिया में जाएंगे। इसमें बच्चा को पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं ना, वो तो प्रवेश था कि जन्म की यात्रा है। गर्भ में प्रवेश हुआ, गर्भ में महल दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर। उस समय वो किस में प्रवेश करता है? पीपल का पत्ता कौन है जो जोर से हिलता है डुलता है? जगदम्बा माता के लिए कहा गया है एक पीपल का पत्ता। सीता जी में कब प्रवेश करता है? तो कृष्ण की सोल जब मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है तब ही प्रवेश कर लेता है। सेवेंटी सिक्स में शंकर का पार्ट दिखाया जाता है, बाप की प्रत्यक्षता, लेकिन वो अधूरा चंद्रमा है और वही अधूरा चंद्रमा
प्रैक्टिकल में भी चाहिए, तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली है जगदम्बा। तुम्हारी बात तुम्हारा काम सर माथे पर। मनन चिंतन करते हुए दिखा देते ना अंगूठा माने आत्मिक स्थिति का अंगूठा, आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूसना अर्थात पढ़ाई पढ़ रही है कृष्ण की सोल, उस गर्भ महल में प्रवेश करके। और कर्मातीत और अंतिम मृत्यु में दोनों में अंतर क्या है? कर्मातीत तो होए बगैर अति इंद्रिय सुख नहीं मिल सकता। इंद्रियों का सुख लेने की जब तक भणास है तब तक कर्मातीत अवस्था कैसी कही जाए? कर्मेंद्रियों से कर्म भी होते रहे लेकिन मन बुद्धि उपराम बनी रहे, वो है कर्मातीत अवस्था। उन कर्मों का कोई असर नहीं होगा क्योंकि कर्म की अकर्म और विकर्म की गति तभी बनती है जब मन उनमें लिप्त होता है। ग्यारहवीं इंद्रिय जो कही जाती है मन, वो अगर इंद्रियों के भोगों में लिप्त नहीं होता है तो प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो ही इंद्रियों से परे का सुख, मन दूसरी ओर लगा हुआ है, इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, तो सुख भासेगा है? सुख नहीं भासेगा। वो अतीन्द्रिय सुख वो ही भोग सकता है जो बाप की ऐसी याद में लवलीन हो जाए कि इंद्रियों का सुख मिला मिला न मिला, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, इंद्र को तो देवता के रूप में ऐसा दिखाया है जो नाराज हो जाता है तो मूसलाधार बरसात बरसाता है, जब विनाश होगा ताबड़तोड़ एटमिक एनर्जी फटेगी तो पृथ्वी का चारों ओर का वायुमंडल बहुत गर्म हो जाएगा, उस गर्मी में समंदर का जल खौल उठेगा, चारों ओर भाप बन करके बादल उड़ेंगे, समंदर का ढेर सारा पानी बादल बन जाएगा, कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी। वो तो हुई स्थूल बात, लेकिन यहाँ ज्ञान की बात पहले होगी, ड्रामा में बेहद की बात पहले होगी, बेहद की बरसात होगी ज्ञान बरसात, ये हद की बरसात पहले होगी। तो बेहद की जो ज्ञान बरसात होती है उसमें एक छोटी सी उंगली है जिसे कनिष्ठिका उंगली कहा जाता है, वो कनिष्ठिका उंगली ही वास्तव में पांच पांडवों में से एक पांडव है। वो उंगली कौन से धर्म की है? हैं? सिख धर्म की। सिख धर्म के पांडव का नाम क्या है? सहदेव, जो सदैव देवताओं का साथ ही रहा है। तो उस उंगली पर जो पांच उंगलियां है ना, पांच पांडव हैं, पांच पांडवों में
सबसे छोटा पांडव, कमजोर, सबसे बाद की औलाद, उसके ऊपर सारा पहाड़ 16,108 गऊओं का धारण कर लिया जाता है, उसकी सुरक्षा हो जाती है। इसी को कहते हैं राज करेगा खालसा। क्लैरिफिकेशन दिया है जब ज्ञान में चलने वाली आत्मा सारा पर आप प्रति को बेच करके अपने हाथ में रखने के टाइम में वो लौकिक स्तर पर कैसे अर्थ करेगी माना वो ज्ञान में चलने वाली आत्माओं को एकदम नफरत करेगा। उसी टाइम में बाबा बोलते हैं उनको अभी स्वर्ग में भेजना है, क्यों उतना नफरत करने वाले आत्माओं को स्वर्ग में भेजना मना वो एकदम गलत है ना। इन्होंने जो कुछ बोला इसका अर्थ ये समझा, जो बाबा ने बोला हुआ है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, पूरे परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञान का बहुत विरोध करते हैं, इतना विरोध करते हैं कि जीते जी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा ज्ञान में चलने वाले भांति को नहीं देना चाहते। लेकिन जो बेसिक वाले भांति हैं ज्ञान में चलने वाले, वो भी तो ब्राह्मण परिवार के भांति ही है ना, उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं नहीं बोला कि वो पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, लेकिन एडवांस में जो ज्ञान में चल रहे हैं उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक में जो ज्ञान में चल रहे हैं ब्राह्मण परिवार के भांति, उन्होंने हमको धक्का देकर के बाहर कर दिया। कर दिया या नहीं कर दिया? 100% सबको वापस बाहर कर दिया। लेकिन जो लौकिक परिवार के भांति हैं, कितनी भी नफरत करते हो ज्ञान से, लेकिन घर में से धक्का देकर के बाहर कर दिया क्या? तो लेकिन थोड़ा सा आत्मा या आईडी भी दिया है ना? वो अपनी गलती से नहीं ऐसा हो नहीं सकता। जो परिवार का प्यार है वो लौकिक भांतियों में अभी भी देखा जाता है, वो नहीं चाहते कि अब दर बदर हो जाए, और बेसिक वाले तो ये चाहते हैं दर बदर हो जाए तो हो जाए, नष्ट हो जाए। तो अंतर है कि नहीं दोनों में? ज्यादा अच्छे कौन है? लौकिक परिवार वाले फिर भी अच्छे हैं, जो एडवांस के लौकिक परिवार के लोग हैं, इसलिए उनके दिल में इतनी जगह है कि परिवार से वो अलग नहीं करना चाहते, और उनके दिलों में इतनी जगह ही नहीं है कि वो अपने अंदर मिक्स करके रख सकें, समा के रख सकें। इसलिए बाबा ने बोला है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा। हाँ, राजा ही पद नहीं पावेंगे, लेकिन प्रजा वर्ग में तो आ जावेंगे, बिना कुछ पुरुषार्थ किए स्वर्ग में चले जावे, ये कोई कम बात है क्या? क्यों चले जावेंगे? क्योंकि ज्ञान रतन तो सुनते हैं ना कुछ न कुछ,
वो तो सुनना ही नहीं चाहते। कौन हाँ, तो कान में उंगली दे लेते हैं, एक शब्द भी कान में न जाने पाए। अरे ये ईश्वर के जो ज्ञान रतन है वो ही स्वर्ग में ले जाने वाले हैं। वो अगर कान में जावेंगे ही नहीं तो बुद्धि में समाने की तो बात ही नहीं, फिर स्वर्ग में कैसे जावेंगे। और देवता धर्म के आधार रूप में केवल अंतिम जन्म में दृष्टि मात्र से शांति बन जाता है। ये कौन है और ये शांतिपन कब और कैसे? देवता धर्म की आत्माएं अंतिम जन्म में दृष्टि मात्र से तामसी बन जाती है। जो चंद्रवंश के आधार मूर्त हैं, वो क्या कर्मेंद्रियों से व्यभिचारी बन रहे हैं? फिर हाँ, ये दृष्टि उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा हुआ है कि भांति भांति के मनुष्यों को दृष्टि देना ये गलत काम है, इसलिए दृष्टि से व्यभिचारी बन रहे हैं। जो लक्ष्मी का पार्टधारी है या लक्ष्मी के जो भी भांति हैं, संगी साथी हैं, वो कर्मेंद्रियों से व्यभिचारी बनने वाले होंगे या सिर्फ दृष्टि मात्र से व्यभिचारी बनने वाले होंगे? दृष्टि मात्र से व्यभिचारी बन रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं बैठा हुआ है कि एक परमपिता परमात्मा की दृष्टि से ही सृष्टि सुधरती है। कोई मनुष्य गुरुओं की दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधर सकती। अभ्युक्त वाणी में बीसीडी गेट से ब्रह्मा बाबा ने बोलते हैं कि अपना तन मन धन सब कुछ बाबा में समाया कर, यहाँ उसके अनुसार बाबा कौन होते हैं? अपना तन मन धन सब सब बाबा में समाया करो। तन कैसे बाबा में समाए? वो तो सबको ही जानते हैं कि तन की सेवा बाबा को दें, बाबा जैसे चलाना चाहें वैसे इस तन की शक्ति को चलाएं, ऐसे ही धन की शक्ति को जैसे बाबा चलाना चाहे वैसे चलाएं, मन को भी जिन संकल्पों में बाबा रमाना चाहे वो ही संकल्पों में मन रमण करे, दूसरे संकल्प में रमण न करे, यही बाबा में समाना है। इसके अनुसार बाबा कौन होते हैं? बाबा तो साकार निराकार का मेल ही होता है। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि तो सूक्ष्म बतन के बाबा की बात करते हैं, जो सूक्ष्म बतन की स्टेज में रहने वाला है। बाप दादा कहाँ की बात करते हैं? सूक्ष्म बतन में बाप दादा कैसे पार्ट बजाए रहे हैं उसी की बात करते हैं। ब्रह्मा बाबा को पता नहीं है क्यों? अरे क्यों नहीं ज्ञान में बैठा है? जब वो आत्मा प्रवेश करती है, बीज रूप स्टेज धारण करती है तो ज्ञान में बैठता है। जब वो संग से रंग से अलग हो जाता है, चंद्रवंशी परिवार में जाकर के मिल जाता है तो बुद्धि बदल जाती है। जैसे हम बच्चों की बुद्धि जब तक यहाँ साकार में बैठे हैं मधुबन में तो बुद्धि कुछ और है, और बाहर की दुनिया में जाते हैं तो बुद्धि पलट जाती है। कृष्ण भी तो बच्चा है, जैसे और बच्चों को संग का रंग लगता है उसको भी संग का रंग लगता है। हाँ जी, नया घर बनाता है, नया घर बना के उसको पूजा एकदम बड़ा है, नया प्रवेश बोल के बहुत बड़ा से तो पूजा बनाता है। क्या करते हैं? नया प्रवेश बनाते हैं। हाँ, गाय और गाय का बच्चा को पहला अक्षर लेके जाते हैं। गाय को? गाय और उसका बच्चा। हाँ, पहला अक्षर लेके जाते हैं, इसका मतलब क्या है? गाय हो गई प्रकृति का रूप, प्रकृति माता, और उसका बच्चा हो गया कृष्ण बच्चा, बैल।
बैल कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो बच्चा हो गया, वो माता गाय हो गई, जगदम्बा हो गई, और अरे जब नई दुनिया बनेगी तो माया और प्रकृति होगी कि नहीं? वहाँ प्रकृति सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? तो सतो प्रधान प्रकृति का रूप है गाय। गाय से ज्यादा सीधा प्राणी तो कोई और होता ही नहीं है। और जब विनाश होगी तब 500 करोड़ आत्माएं 1 करोड़ देवताओं में प्रवेश करके गति व संस्कृति को पाएंगे, इसका मतलब 23 करोड़ आत्माएं भी अंतर करेंगे और उस लास्ट समय में होगी एटम बम फटेंगे, बड़े बड़े भूकंप आवेंगे, तो दुनिया की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो सारी गिरेंगी, तो असंख्य मौतें होंगी, अकाले मौत, वो एक साथ हो जाएंगी या कुछ टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। तो जो जो शरीर छोड़ते जाएंगे वे सूक्ष्म वतन में टिकते जाएंगे, तब तक सूक्ष्म वतन में टिकेंगे जब तक आखिरी विनाश न हो जाए। सात दिन का जो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा, एटम बमों का धुआं, घमासान युद्ध, जैसे दीपावली पटाखे फटाते हैं, या दशहरे पर बम फोड़े जाते हैं रावण को जलाने के लिए, तो पहले थोड़े थोड़े फोड़ते रहते हैं और लास्ट में सारे एक साथ फोड़ देते हैं, धड़ ऐसे ही आखिरी सात दिनों में जो आखिरी विनाश होगा उसमें सब आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके सूक्ष्म वतन में टिक जाएंगी, और लास्ट में जिन आत्माओं को जाना होगा बुद्धि योग से, वो आत्माएं प्रजापिता और प्रजापिता के साथ वाली आत्माएं तीव्र दौड़ी दौड़ेंगी और सूक्ष्म वतन वालों को भी क्रास पीछे पीछे सब जावेंगे। हाँ जी, जगदम्बा तो है जगत की माँ। हाँ जी, जगत की है जगत की सारे जगत की पिता। हाँ जी, अभी तो भारत माता कहाँ है? हाँ जी, सिर्फ भारतवासियों की माँ। माने जो अभिविचारी दुनिया स्थापन करने वाले हैं उनकी माँ, और जो विविचारी भी बनते हैं वो सारे जगत में फैले हुए हैं। डाइवोर्स देने की प्रथा जो चल रही है दूसरे दूसरे देशों में, वो सारे जगत की बात हो गई। इसीलिए नहीं बोला कि भारत माता आगे है प्योरिटी की बात में, प्योरिटी की बात में भारत माता आगे है, जो जगत पिता है वो आगे नहीं है। माताएं दो शास्त्रों में गिनाई गई हैं, एक दिति एक अदिति, एक जगत माता एक भारत माता, एक जगदम्बा और एक पार्वती। पार्वती से स्वर्ग स्थापना होता है, और जगदम्बा से सारा जगत तैयार होता है। और
सारी श्रीमत से चलता है। उसका पार्ट निराला होगा इसलिए श्रीमत पर चल सकता है। शंकर का पार्ट ऐसा है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। शंकर की समझ में आ गया होगा, बच्चों की समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिसका काम उसी को छाजे। गुरु ने बोला है वो एक ही आत्मा है, वो श्रीमत से चलता है। जो श्रीमत से चलेगा वो ही तो विश्व की व्यवस्था ही लेगा। कहाँ कम, ये तो तुम समझते हो, वो समझते हैं पवित्रता में कम। जिनकी बुद्धि में ये बात बैठी नहीं है कि पवित्रता क्या चीज होती है। महाकाली की पवित्रता को पवित्रता समझेंगे या अपवित्रता समझेंगे? कैसे है पवित्रता? महाकाली व्यभिचारिणी बनती है कि नहीं कर्मेंद्रियों से? वो बच्चों को सुधारने के लिए बनती है या नहीं? बनती है ना, लेकिन बुद्धि से? वो बाप के साथ ही ऐसे ही ये जगत पिता की बात है। वो फिर भी जिस बाप के साथ है, जिस बाप में बुद्धि लगी हुई है, वो साकार है। और जगत पिता की बुद्धि तो सिर्फ एक निराकार में ही लगी हुई है, उसका तो गायन ही सिर्फ एकलव्य का है। भारत माता प्योरिटी के मुकाबले में आगे रहती है। हाँ हाँ, प्योरिटी हमेशा ही आगे रहेगी। इन सन्यासियों की जब तक आगे निकलने की बात नहीं होती है, तब तक तुम बच्चों की भी विजय हो नहीं सकती। जब ये सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पक्के सन्यासी कौन है? हाँ? गंगा और भारत माता। गंगा को तो फिर भी एडवांस का ज्ञान मिला हुआ है, और भारत माता को तो एडवांस का ज्ञान मिला ही हुआ नहीं है। बाबा से आगे कैसे चलेंगे? प्योरिटी में आगे ऐसे चले जाते कि उनके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं पवित्र रहने के, और राजाओं के संस्कार अपवित्रता के हैं। भारत माता केवल ही है, हाँ, जगदम्बा लक्ष्मी। जो सारे जगत की अम्बा है वो मुसलमानों की अम्बा है या नहीं है? और जो वैष्णवी है, वैष्णव पंथी मुसलमानों को अपने में कभी मिला के रखते हैं? मुसलमानों में जाते हैं ना भगवान कौन? जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो सारी दुनिया के साथ है। जब ज्ञान मिल जाएगा तो संघ का रंग बदल जाएगा। जो सच्चा होता है और श्रेष्ठ होता है वो हीरा होता है।
और हीरे के ऊपर कभी विकारों की धूल लगती है क्या? ये आपने गलत पॉइंट पकड़ लिया। वो मुरली लाओ मैदान में, अगली बार ले आना। या तो आपने उसे गलत पकड़ लिया है, गलत समझ लिया है। हीरे के लिए तो गायन है, अंधेरे में भी डाल दो तो भी रोशनी देता रहता है। धूल में पड़ा हुआ हीरा है तो भी उसकी रोशनी चमकेगी। हाँ ठीक है। तो ये सात चरण के लिए अलग अलग बीज रूप आत्मा होना चाहिए ना? हैं? सात चरण के लिए अलग अलग तो मुखिया नष्टदेव तुम्हारी बात ही नहीं समझ। आप कन्नड़ भाषा में बोलिए, हिंदी अनुवाद कोई दूसरा करे। हाँ औषधि हैं धान का पानी औषधि कैसे पारे हो गई धान के बाद मेरे सारे स्थान से मतदान होता है सब तो निकल कैसे हाँ पर आए ना बोरवेल का पानी हाँ बंद कर दो इसको तो बंद कर दो बंद से ये वाला पंखा बंद कर दीजिए। व्यापारी लोग जो होते हैं उनके पास चौपड़ा होता है, कितना बेचा, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना घाटा हुआ, सारा रात को लिखते हैं, उसको मुरादी संभालना कहते हैं। हाँ जी राजा राजा दुर्गादत्त आदि सनातन देवी देवता धर्म की वो आत्मा है जो विविचार में कोई भी हालत में आसक्त नहीं होती। माया का कितना भी बड़ा पंप एंड शो उसके सामने आ जाता है तो भी मुसलमानों की रानियों को हाथ में आते हुए मुसलमानों के पास पहुंचा देता है। चरित्रवान राजा है। दुर्गा दत्त का मतलब क्या हुआ? दुर्गा कौन और उसका दिया हुआ कौन? दुर्गा का बच्चा कौन? हाँ यज्ञ के आदमी जो माता है उसका बच्चा है दुर्गा दत्त। क्या हुआ? बाबा तू मैदान में मर गया ये अच्छा है इनसे कई गाहे आज ब्राह्मण बच्चों का घर में डकाई आया क्या करता है इनका पैसा रही पैसा करते करते मर गया तो अच्छा है लौकिक दुनिया में भक्ति मार्ग में ऐसे मानते हैं।
कि युद्ध करते करते जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में इस दुनिया में तो स्वर्ग है ही नहीं, लेकिन ये संगम युग की यादगार बात चली आ रही है कि संगम युग में माया के युद्ध के मैदान के बीच में युद्ध करते करते अगर कोई गुम भी हो जाए, फां भी हो जाए, जैसे राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फां हो गई, तो भी अगले जन्म में कहां पहुंचेगी? स्वर्ग में ही जाके उसे जन्म मिलेगा। महाकाली ने अपनी लाज बचाने के लिए बाकी सहयोगी पूजा उनको खासकर वस्त्र बना देती है। अपना सहयोगी बना लिया है। तो वो ऐसा कौन से बुरा कर्म करती है महाकाली? आपकी ग्लानि लज्जा वाले अंग कौन से होते हैं और उन अंगों से क्या काम होता है? वही हद और बेहद की बात है। जगदम्बा सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। उन सब मनोकामनाओं में ये भी मनोकामना आ जाती है या नहीं आ जाती है? और लक्ष्मी, लक्ष्मी भुजाएं काट के अपनी लज्जा का आवरण ढक ले, ये कामना पूरी करने वाली नहीं है? बाबा वासुदेव और देवकी अभी भी विकारों की जेल में पड़े हुए हैं, दोनों कौन हैं? उनका पात्र क्या था? एडवांस के आदि में जब एडवांस की शुरुआत हुई उस समय से लेकर के अब तक भी विकारों की जेल में कौन पड़े हुए हैं जिन्होंने संगमुखी कृष्ण की प्रत्यक्षता की? ये ज्ञान में पूछ रहे हैं कि ज्ञान में वो आत्माएं कौन हैं जिन्होंने पीपल के पत्ते पर आए हुए कृष्ण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिया। 86, 87, 88, 89 में वो कौन सी आत्माएं थी जिन्होंने संगम युगी कृष्ण को प्रत्यक्ष कर दिया? कौन कौन दो आत्माएं? ना इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं, इस्लाम और मुस्लिम धर्म की बीज रूप आत्माएं। वो भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म देती है। सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, उसको लाने वाला कौन? पीपल के पत्ते पर कृष्ण रूपी महान आत्मा को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त कौन बना 86-87 में? अरे दक्षिण भारत से विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्षता होती है, निमित्त तो कौन बना? इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा। जैसे युद्ध में लड़ते लड़ते कोई मारे तो स्वर्ग में जन्म लेता है, तो स्थूल युद्ध की बात नहीं है। तो ब्राह्मणों के घर में अगर कोई डकैत आ गए तो अहिंसक युद्ध करना चाहिए या अगर डकैत आ जाते हैं तो वो डकैत तो किसी को मौत के घात भी उतार सकते हैं, वो तो हिंसक हथियार लेकर के आते हैं। तो अगर अपने पास असला है तो मुकाबला करने में कोई हर्जा नहीं है, अगर नहीं है तो मुकाबला करने से भी कोई फायदा नहीं है। बाबा को याद करो, बौद्धियों में सर कायर नहीं बनना है कि हमारे बीवी बाल बच्चों को सत्यानाश करते रहे और हम आंखों से देखते रहे।
एक व्यक्ति सदा काल के लिए निगेटिव थॉट्स में रहता है, जितना भी समझाओ पॉजिटिव को नहीं आता, उसका क्या फायदा? त्रेसठ जन्म में बहुत पाप कर्म किए हैं, तो इस आखिरी जन्म में उन पाप कर्मों की नेगेटिव रील घूमती रहती है। कोई कितना भी करे वो पाप कर्मों की नेगेटिव रील बंद ही नहीं होती। सोलह हजार एक सौ आठ है उन लोगों की संख्या जो बाप के कार्य में सरेंडर होकर के कार्य करते हैं, समर्पित हो जाते हैं। समर्पित होने के बाद संसार को तो दिखा दिया हम समर्पित हो गए, लेकिन फिर भी अगर मनमानी चाल चलते हैं, श्रीमत के अनुकूल नहीं चलते हैं, तो फिर दास दासी बन पड़ते हैं। अब जितना जास्ती एक बार सरेंडर तो हुए, फिर कितना भी विकर्म करेंगे तो भी त्रेता के आखिरी जन्म में जाकर के एक बार जन्म लेकर के उनको प्रिंस तो बनना ही बनना है। उससे पहले दास दासी बनते रहेंगे हर जन्म में। आखिरी जन्म में रहते हैं, मान लो किसी ने बहुत सरेंडर होने के बाद बहुत ही अवज्ञा करी, बहुत ही दूसरों को दुख दिया, तो अंतिम जन्म में जाकर के त्रेता के अंतिम जन्म में उनको सिर्फ मानी मोचा मिल जाएगा, थोड़ा सा मान मिल जाएगा कि राज परिवार में जाके प्रिंस या प्रिंसेस के रूप में जन्म मिल जाएगा, आखिरी बच्चा बन जाएगा राज परिवार का, उसके बाद विनाश हो जाएगा। उससे पहले के जन्मों में लगातार दास दासी बन करके भरी ढोती रहो। सोलह हजार की लिस्ट जो है वो सूर्यवंशी नहीं कही जाती है सारी, वो तो और धर्मों से प्रभावित होने वाली आत्माएं भी उसमें घुसी हुई है। यथा राजा तथा प्रजा होती है, उन सोलह हजार में तो सारी दुनिया भरी हुई है, जैसे 108 बीजों के अंदर सारी दुनिया भरी हुई है, जैसे आठ के अंदर सारी दुनिया भरी हुई है। सारी दुनिया का छोटा रूप देखना हो 16108 में देख लो, बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो 16108 में देख लो, बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो 16108 में देख लो, फिर उससे भी छोटी दुनिया देखनी हो 108 की देख लो, उन 108 में अच्छे से अच्छे पुण्यात्मा और बड़े से बड़े पापात्मा भरे पड़े हैं। ऐसे ही आठ की लिस्ट में भी, नौ की लिस्ट में, नौ की लिस्ट में जो नौवा है बड़े से बड़ा पापात्मा। नष्ट देव में आ जाता है। तो कई समय देते हैं।
घर परिवार में रहेंगे तो घर परिवार के लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभानी पड़ेगी, नहीं निभानी पड़ेगी। और जो सरेंडर हो गए वो तो अंदर आ गए, उनका तो लौकिक दुनिया खत्म हो गई। इसलिए बोला है कि अंदर वालों से बाहर वाले ऊंच पद वो साहूकार बन सकते हैं, साहूकार में अच्छा जीवन बिता सकते हैं। बाहर रहने वाले साहूकार बन सकते हैं लेकिन राजा रानी नहीं बनेंगे। कौन लास्ट में ऐसा होगा कि वो पूरे सरेंडर हो जाएंगे। अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ क्यों नहीं हो सकती, मैच्योर्ड माता है तो गीता पाठशाला चला सकती है। और राजा बलि का मतलब है सब कुछ अर्पण कर देना। मना जो कले से इसमें आया इस्लाम धर्म के बीच उन लोगों के लिए बता, ठीक है बाबा भाइयों को तो समर्पण नहीं करते। माइयों को समर्पण होने की दरकार है, उनको संरक्षण लेने की दरकार है। कन्या माताओं को तो आज की कलयुग की दुनिया में इसलिए दरकार है कि बाहर की दुनिया में उनकी कहीं कहीं सुरक्षा है ही नहीं, इसलिए उनको संरक्षण चाहिए। भाइयों को क्या दरकार है, चौराहे पे बैठ करके वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कैसा राजा बलि का पाठ बजाए? कौन भाई जो अपने पैरों खड़ा रहे वही राजा बलि है, किसी के अधीन ना होना पड़े। बाबा एक तरफ ये भी बोलते हैं जो पूरा विगर्भ होगा वही ईश्वरी सेवा में अपना तन मन धन मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ बर्तवा चाहे। कलयुग में हाँ शंकर आत्मा का पाठ क्या है? जो पहले जन्म में नारायण बनते हैं वो अगले जन्मों में नीचे होते जाते हैं, उनका पद कम होता जाता है, होते होते आखिरी जन्म में सतयुग में जाकर के वो प्रजापद में चली जाती है आत्मा, साहूकार प्रजा बन जाती है। इतना बड़ा साहूकार प्रजा बन जाती है कि नारायण की सारी राजाई उस साहूकार को कर्जे में डुबो देनी पड़ती है। हर जन्म में थोड़े ऊंचा पद बनता है। ऐसे ही सतयुग के आदि में जो लक्ष्मी नारायण होते हैं राधा कृष्ण वो अगले जन्म में नीचे उतरते जाएंगे। सारा जीवन जो काम किया जाता है सारा दिन वो रात में स्वप्न में भी याद आ जाता है। जैसे मिसाल दिया है कपड़ा बेचने वाला दुकानदार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है। शूद्र कौन से युग में बनते हैं? कलयुग के आदि में
कलयुग के आज में पहला शूद्र कौन बनेगा? पहला बड़े से बड़ा व्यभिचारी राजा कौन बनेगा? पृथ्वीराज चौहान तो 11वीं शताब्दी में हुआ, जो कलयुग है वो तो 1200 साल पहले हुआ। कलयुग की आयु कितनी? 1250 साल। और पृथ्वीराज चौहान, हाँ, आज से 1000 साल पहले। हाँ जी, और छोड़ा भी ऐसे ही 1000 साल पहले ही जन्म हुआ छोड़ा की, पौची छोड़ा छोड़ा और कौन सा पॉइंट क्या? तुमने वाणी में सुना कि बाबा पार्ट नहीं बतावेंगे एक एक के, सिर्फ इशारा देते हैं कि कलयुग के आदि में कोई ऐसा राजा हुआ है जो बहुत रानियों रखने में सबसे आगे गया। राजाओं में व्यभिचार दोष वहां से फैलना शुरू हुआ। फिर शंकराचार्य आए 1250 वर्ष पहले से ही, और शंकराचार्य ने आकर के राजाओं को, उस देश को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राजाओं को वैराग दिला दिया। अरे भीमदेव तो ये इसने दिलवाड़ा मंदिर बनाया है, द्वापर के आदमी नहीं, कलयुग के आदमी। प्रकृति दासदासियां होते ही नहीं है, ये तो कहने की बात है। यहाँ की बाबा ने जो भी लक्ष्य दिया है, जो भी बातें बताई हैं, वो संगम की पराकाष्ठा की लक्ष्य दिया है या सत्युग का लक्ष्य दिया है? सत्युग का लक्ष्य तो नीचा है। बाबा ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य देते हैं या नीचे लक्ष्य देते हैं? सत्युग में कोई दासदासी नहीं होता, वहां कोई अनुशासनहीन नहीं होता। बाबा ने बोला ना जन्म दिन ऐसे होता है, कोई कोई घरानों में दास दासी भी अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। आत्मिक स्थिति की बात है या देवान की बात है? चाहे वो स्त्री चोला हो, स्त्री चोला होते हुए भी रुद्रमाला का मणका नहीं हो सकता है। बस पांच उसमें युद्ध में स्थिर रहने वाला सूर्यवंशी नहीं है कोई? सामना करने की शक्ति वाला नहीं है कोई? बौद्धि अर्जुन नहीं है क्या? न कोई शंकराचार्य नहीं है? धर्मराज का पास पहले महाकाली के द्वारा चलते हैं और बाद में तीसरा अष्टदेव के द्वारा चलते हैं, ये ठीक है क्या? ठीक है, सहयोगी तो होते हैं ना। असल धर्म का राजा कौन है? धर्म माने धारणा, धारणाओं को फॉलो करने वाली असल आत्मा कौन सी है?
ब्रह्मा की सोल, वो ही जगदम्बा में प्रवेश होके पाठ बजाती है। विष्णु के रूप में जगदम्बा भी एक भुजा है, ब्रह्मा की आत्मा भी एक भुजा है, परंतु उन भुजाओं को चलाने वाला कौन है? हैं? बाप। तो मूल धर्मराज कौन हुआ? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। बाबा धर्मराज पाठ बजाने वाला ब्रह्मा बाबा जगदम्बा में प्रवेश होते भी एक थी, फिर वो कैसा खाली पाठ होता है दूसरा धर्म उनको बस हो जाता है? बस हो गया, प्रभावित हो जाता है, बस हो गया। और आयन मौके पर पाला पलट दे तो जैसे कोई CID होते हैं, CID को पार्ट मिला हुआ होता है, चोर डकैतों के ग्रुप में घुस जाओ, चोर डकैत बन के पार्ट बजाओ और आखिर में उनका भंडा फोड़ कर दे तो क्या कहा जाएगा उनको? चोर डकैत कहा जाएगा? ऐसे ही है। मेगा प्रोग्राम हो रहा है कौन से शहर में? कन्नूर। हाँ जैसी सेवा कर सको वैसी करो। अमृत वेले बाबा की याद में बैठो, और जैसी बुद्धि चले वैसी सेवा करो। चलो।